नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ टोटल चार्ज क्यू, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, पाई इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट एच एंड रेडियस स्मॉल आर विद इट सेंटर्स एज सेम एज द शेल. मतलब एक शेल है, स्फेरिकल शेल, और एक सिलेंडर है, दोनों का सेंटर सेम है. हियर द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम सरफेस, ठीक है. अब इसमें कह रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू पता करनी है हमको. तो देखो, हमें इसमें ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा. तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर 2 आर से ज़्यादा है और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर से ज़्यादा है. तो ज़रा ध्यान से देखना. सपोज हम पहले एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं. तो सपोज ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है. इस सिलेंडर का हाइट एच है और रेडियस इस सिलेंडर का स्मॉल आर है. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 टाइम्स आर, ठीक है. अब इसमें ए पार्ट में जो स्फेरिकल शेल है, उस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर से छोटा है और उसका हाइट भी 2 आर से बड़ा है. तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो स्फेरिकल शेल होगा वो एग्जैक्टली इसके अंदर ही आएगा. मतलब वो कम्प्लीटली इनसाइड दी सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड दी सिलेंडर हो जाएगा. तो इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स हमको निकालना है, ठीक है ना. पाई इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है. तो इस टोटल से अगर हमें फ्लक्स पता करना है, तो अब क्योंकि इस केस में क्यू इन की वैल्यू क्यू के ही इक्वल हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू सीधे सीधे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी. यानी कि ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है. फिर बी ऑप्शन में बढ़ते हैं. बी ऑप्शन में ध्यान से देखो, सिलेंडर वही लिया है हम लोगों ने, ठीक है, सिलेंडर वही है, लेकिन इस बार सिलेंडर का जो रेडियस है वो 3 टाइम्स r/5 के इक्वल है. ध्यान से देखना, ठीक है ना. यानी कि वो जो स्फेयर है, उस स्फेयर का कुछ पोर्शन, स्फेयर का जो हाइट है वो 2 आर से ज्यादा है, लेकिन वो जो स्फेयर है उसका रेडियस ज्यादा है. तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर उसका रेडियस ज्यादा है तो ये इसका रेडियस हो गया, ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई. स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 3 टाइम्स r/5. तो अब जरा एक बात ध्यान समझना, अगर ये 3 टाइम्स r/5 है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 53 डिग्री बन जाएगा. ध्यान से देखो, तो क्योंकि हम लोग लिखेंगे ना cos 53 इज बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो cos 53 3/5 के इक्वल आएगा, ठीक. अब इसके ऊपर जो चार्ज है, कुछ चार्ज इसके अंदर भी आएगा और कुछ चार्ज इसके बाहर भी आएगा. तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें ये पता करना है कि कितना चार्ज इसके अंदर है. तो देखो, इसको हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से करेंगे, और सॉलिड एंगल का जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे लगाएंगे. ध्यान से देखो, एक सरफेस यहाँ पे होगा और इसी तरह से एक सरफेस यहाँ बनेगा, ठीक है ना. तो अब ये सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि अगर हम ये वाला एंगल पता करें, तो ये एंगल 37 हो जाएगा. तो हम देखेंगे कि 37 के करस्पॉन्डिंग कितना सॉलिड एंगल है. तो सॉलिड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 2π(1 cos 37), एंड cos 37 इज 4/5, तो ये आ जाएगी 2π/5. तो वैसे देखो, ये दो सॉलिड एंगल ऐसे हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं. तो टोटल क्यू इन की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है, इंटू कैपिटल क्यू अपॉन टोटल सॉलिड एंगल विच इज 4π. तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू सीधे सीधे ये हो जा रही है 1/2π इंटू क्यू और इंटू 2π/5. तो देखो ध्यान से, क्या ये q/5 आ जा रहा है. तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू q/5εo हो गई. बेसिकली ये वाला चार्ज ही तो क्यू इन है, तो हमें क्यू इन निकालना था, ठीक है ना. तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर सी ऑप्शन में.
तो फिर से ये सिलेंडर आ गया, ठीक है, और ये था बी ऑप्शन और ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में भी एच जो है वो 2R से बड़ा है। अब देखो सी ऑप्शन वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन में R की वैल्यू जब 3R/5 है तब फाइव की वैल्यू Q/5 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, तो 4R/5 में तो डेफिनेटली नहीं आएगी ना, तो सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, सी सही नहीं आएगा। डी चेक करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन अगर देखें तो डी ऑप्शन में एच की वैल्यू 8R/5 से छोटा है, मतलब 2R से तो छोटा है, और R की वैल्यू 3R/5 है। तो हमें सिलेंडर एक दूसरा बनाना पड़ेगा, इस सिलेंडर से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 8R/5 से कम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये R के इक्वल है, तो ये टोटल 2R होगा, तो 2R से तो डेफिनेटली छोटा है ये सिलेंडर, और रेडियस की वैल्यू 3R/5 है, यानी ये वाला कैपिटल R है तो उसका रेडियस 3R/5 है, तो रेडियस उसका 3R/5 है। अब हमें ध्यान से ये पता करना होगा कि जब ये R की वैल्यू 3R/5 है जिस टाइम पे, तो ये सिलेंडर का जो हाइट है ये अंदर जाएगा या कम्प्लीटली बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r लेते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3R/5, उस कंडीशन में ये हाइट कितनी निकल के आएगी ये हमको जरा देखना है। एक्चुअली हमको ये वाली हाइट देखनी है कि ये पॉइंट P यहाँ से कितनी हाइट पे आएगा। तो देखो क्योंकि ये 3R/5 है और ये वाला डिस्टेंस हटा दो, हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तो ये डिस्टेंस जो y की वैल्यू निकल के आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, तो स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा 9R² / 25 और फिर इसका अंडर रूट। तो अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो ये 4R/5 आएगा, और क्योंकि हाइट 8R/5 से कम है इसका मतलब है कि ये सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर होगा कम्प्लीटली, और अगर ये सिलेंडर कम्प्लीटली अंदर है तो इस सिलेंडर के अंदर कोई भी क्यू इन नहीं है, ध्यान से देखो, तो फ्लक्स की वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगी, तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट आ जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम है ये।